हेलो एवरीवन टुडे इन दिस वीडियो वन केस लो ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द नेम ऑफ द केस इज लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का ये केस है और ये केस एमपी और एमएलए के डिसक्फिकेशन से रिलेटेड है इस केस के फैक्ट ऐसे हैं कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1955 के सेक्शन 8 के अंदर एक सबक्लोज एड कर दिया और जो सबक्लोज है वो कन्विक्टड मेम्बर्स के रिगार्डिंग एक प्रोविजन है अभी क्या है इस प्रोविज़न में उसको हम आगे देखेंगे तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो मेंबर्स की जो डिसक्वालफिकेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और स्टैचूटरी प्रोविजन यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव क्या बोलता है तो पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अंडर अंडर द आर्टिकल वन जीरो टू एंड अंडर आर्टिकल वन नाइनटी वन द डिस्वालीफिकेशन ऑफ एम पीज़ एंड एम एल एज़ आर डिफाइंड रिस्पेक्टिवली ठीक है अब जो डिसक्वालीफिकेशन दी हुई है एम पीज़ की वो दोनों के लिए है

जो नॉमिनेट नॉमिनेशन नौ, अपना फाइल करके आए थे ठीक है ना टूटेस्ट कंटेस्ट इलेक्शन या फिर जो जीत के आ गए हैं उनके बारे में डिसक्वालीफिकेशन दे रखी है अब वो क्या क्या होती है वो आपको दिखाता हूँ मैं अब ये देखो आर्टिकल एक सौ दो ये कहता है डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेम्बरशिप अब ये क्या क्या डिस्कवालीफिकेशन होगी अब वर्ड देखो यहाँ पे क्या है ए पर्सन सेल्फ बी डिस्कालीफाइड फॉर बींग चूजन एज मतलब जो भी सिलेक्ट नहीं हुआ है उसने जस्ट अपना इलेक्शन के लिए अपना फॉर्म भरा है नोमिनेशन भरा अपना ठीक है एंड और ये दूसरी उसके लिए भी अपलिकेबल है एंड फॉर बींग ए मेम्बर ऑफ इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मतलब जो जीत के आ चुके हैं और जो अपना फॉर्म भरने जा रहे हैं दोनों के लिए अप्लीकेबल है तो यहाँ पे वर्ड याद रखना बहुत तो मैं बहुत वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब ये कि इसके लिए जो भी इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहा है उसके लिए भी और जो इलेक्शन लड़के आ चुका है मतलब उसने इलेक्शन लड़ा जीत गया और अभी वो सीटिंग एम है उसके लिए क्या क्या कंडीशन है ये कंडीशन है यदि वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है तब तो उसकी क्वालिफी तब तो उसकी जो मेम्बरशिप है वो डिसक्वालीफाइड हो जाएगी ही इज़ नॉट ही विल नॉट बी मेंबर ऑफ दैट हाउस ठीक है नेक्स्ट इज इफ ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड और एंड स्टैंड शो डिक्लेर बाई कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको इंसॉलमेंट कर डिक्लेयर कर दिया हो यदि वो इंसॉलमेंट हो गया हो यदि उसने किसी दूसरे देश की सदस्यता ले ली 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 हो नागरिकता नोट सदस्यता नागरिकता ले ली हो और अपनी अभी वो इंडिया इंडियन सिटीजन नहीं है या फिर ही शो डिसक्वालिफाइड बाई बाई और अंडर एनी लो मेड बाई द पार्लियामेंट ठीक है पार्लियामेंट ने कोई ऐसा कानून बनाया जिससे उसकी सदस्यता डिसक्लीफाइाइड uh, हो जाती है उस केस में भी वो उसकी जो डिसक्वालीफिकेशन है वो ख़त्म हो जाएगी ये किसके लिए था ये फॉर बींग दम्बर ऑफ पार्लियामेंट दैट इज़ फॉर एम ये एम के लिए आपकी मानी जाएगी लेकिन जो वन नाइनटी वन है दैट टॉक्स अबाउट द मम्बर ऑफ ए लेजिस्टिव असेंबली और लैजिस्टिव काउंसिल इट मीनस यदि ये प्रोविजन एम के लिए है क्योंकि स्टेट वाला पोर्शन है वन नाइन्टी वन तो इसमें देखो दोनों में सेम चीज़ है सब कुछ लेकिन बस डिफ्रेंस uh, कितना यहाँ पे था एम और यहाँ पे एम लेकिन जो वर्ड देखो यहाँ पे फॉर बींग इन एंड फॉर बींग एम्बर यहाँ पे भी सेम वर्ड है बींग इन एज एंड फॉर बींग एम्बर मतलब जो इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहा है उसके लिए भी वही प्रोविज़न है और जो जीत के आ चुका है उसके लिए भी सेम प्रोविज़न है इन दोनों में कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया ठीक है और अब देखो जब नेक्स्ट देखना हमें पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1955 के सेक्शन सेवन में क्या बात कर रखी है और आठ में क्या बात क्या रखी है डिसकॉलीफिकेशन से रिलेटेड साथ में तो डिफ़ाइन कर रखा है कि मेंबर किसको बोलेंगे और आठ बताता है कि डिस्कालीफिकेशन के लिए कौन कौन से ग्राउंड्स हैं तो आठ क्लोज सेक्शन एट क्लोज़ वन सेक्शन एट क्लोज टू क्लोज़ थ्री इन तीनों में कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि इन दोनों में दोनों पर्सन के बारे में बात कर रखी है जो इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं उसके लिए भी और जो इलेक्शन लड़के है जो आ चुके हैं अभी जो मेंबर हैं उनके लिए भी लेकिन जो सेक्शन आठ क्लोज चार उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन है अब वो डिस्क्रिमिनेशन क्या है वो आप इसको एक बार इसको आप देखो तब आपको पता चलेगा अब देखो सेक्शन आठ का जो क्लोज दो तीन चार है ये ये आप देखो एक बार ये आपको समझ में आ जाएंगी दो आपको समझ में आ जाएगी तीन भी समझ में आ जाएगी चार देखो चार क्या कहता है नॉट विध स्टैंड एनीथिंग जो भी ऊपर तक कहा गया है सेक्शन वन में टू में थ्री में वो इस यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा क्या ए क्याफिकेशन अंडर इधर ए पर्सन हु ऑन द डेट ऑफ कन्विक्शन जिस दिन उसको कन्विक्ट किया गया है कोर्ट ने इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर मतलब जिस दिन उसको उसका कोई उसके खिलाफ कोई केस चल रहा था वो एम है या एम है ठीक है वो एम भी हो सकता है एमएलए एम भी हो सकता है तो जिस दिन वो एम और एम है ठीक है ड्यूरिंग दिस ऑफिस यदि किसी तारीख को किसी एक डेट को उसको कन्विक्ट कर दिया तो जिस जिस दिन उसको कन्विक्ट किया ना ये इंपॉर्टेंट है जिस दिन उसको कन्विक्ट किया जिस दिन वो कन्विक्ट उस दिन वो एमपी और एमएलए है और उसको ये प्रोविज़न दे दिया इसमें आर्टिकल सॉरी सेक्शन फोर ने किसको दिया खाली जो एम पी और एम एल ए है लेकिन अभी तक के जितने भी प्रोविजन थे वो क्या बात करते थे जो इलेक्शन लड़ने जा रहा है उसके लिए भी प्लस जो इलेक्शन लड़की आ चुका है मतलब एम पी एम एल ए है लेकिन फोर किसके बारे में बात कर रहा है मोर स्पेसिफिक इसने कैटेगरी बांट दी है कि जो इलेक्शन लड़के आ चुका है सिर्फ उन उनके लिए देखो यहाँ पे मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट के लिए और ये जो ये ऊपर वाले थे जितने प्रोविजन थे ये सारे जितने प्रोविजन थे अभी अभी तक के ऊपर वाले सारे के सारे बहुत दोनों के लिए अपलिकेबल थे वन मतलब जो इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहा है उसके लिए भी और दूसरा कौन सा जो इलेक्शन लड़ के जीत के और जब भी एम पी एम एल ए बन गया उन दोनों के लिए लेकिन फोर क्या हो जाता था इट इज़ ओनली फॉर दी एम पी एंड एम एल ए ये सिर्फ एम पी और एम एल ए के लिए जो इलेक्शन लड़ रहे थे और जीत के आए हैं उनके लिए ठीक है लड़ने वालों के लिए नहीं है जो जीत के आ चुके हैं सिर्फ उन उनके लिए अपलिकेबल है क्या उन्होंने क्या उनको क्या, उन, क्या, उन, क्या, उन, क्या, उन, क्या छोड़ दे दी है कि भाई मैंने आपको बताया कि जिस दिन वो कन्विक्ट हुए थे उस दिन वो एम पी और एम एल ए थे उनके खिलाफ एम पी एम एल ए होते हुए उनके खिलाफ के कन्विक्शन आ गया ठीक है जैसे ही कन्विक्शन आया तो उनको टाइम दे दिया कि तीन महीने के अंदर अंदर आप अपनी अपील डाल दो किसी भी हायर कोर्ट में ठीक है तो जब तक आपकी कोर्ट में अपील पेंडिंग रहेगी ट्रायल चलेगा इंक्वायरी होगी ये वो जो जो भी सारा सिस्टम चलेगा पूरी प्रोसेस पूरा कंप्लीट डिस्पोज नहीं होता टिल देन आप एम पी एम एल ए रह सकते हो तो देखो ना कितना डिस्क्रिमिनेटरी क्लोज हुआ ये कि जो एम पी एम एल ए हैं तो जैसे वो कन्विक्ट हुए एम और एम वो तीन महीने के अंदर अंदर जैसे अभी इनको पता कि कल तीन महीने पूरे होने वाले हैं तो आज जाके अपील डाल देंगे वो ठीक है तो आज अपील डाल दी तो जब तक वो अपील डिस्पोज नहीं हो जाएगी टिल दैट टाइम दे विल होल्ड दैट दैट पर्टिकुलर पोस्ट ठीक है तब तक वो एम पी एम एल ए बने रहेंगे तो इससे कितनी पावर को अपना मिसयूज़ कर रहे हैं वो क्योंकि जो केसेज हैं वो इतनी जल्दी सोल्व नहीं होंगे तब इशू ये था कि ये तो क्योंकि अभी तक तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन देखा हमने तो उस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में क्या लिखा था कि जो इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहा है उसके लिए भी और जो इलेक्शन लड़के है जो जीत के आया विनर के लिए भी और जो कंटेस्ट कर रहा है उसके लिए भी दोनों के लिए एप्लीकेबल है लेकिन जो ये एट क्लोज फोर है ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है ये सिर्फ विनर विनर के लिए एप्लीकेबल है सो so, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वोलेशन है तो इसलिए आप इसको अल्ट्रा वोलेंस डिक्लेयर करो किसने बोला ये लिली थॉमस बोलती है सुप्रीम कोर्ट में कि आप इसको अल्ट्रा वोलेंस डिक्लेयर करो तो देखो यहाँ पर मैंने वो यही लिखा हुआ है कि एट क्लोज फोर यहाँ पे मेंबर का जो जो मेंबर है वो कन्विक्ट हो गया है तो तीन महीने के अंदर अंदर उसको अप्लाई करना पड़ेगा अब वो क्या अप्लाई करेगा अपने मैंने आपको बता दिया अब इशू जो इशू था मेन इशू यही था कि जो एट क्लोज फोर है वो अनकॉन्स्टिट्यूशन है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है सेकेंड अल्ट्रा वायरस कि भाई जो ये इन्होंने क्लोज फोर डाली हुई है ये अल्ट्रा वायरस अल्ट्रा वायरस मतलब कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो कॉम्पिटेंट नहीं है रूल बनाने के लिए अब क्यों नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी सर भारत सरकार ने क्या रीजनिंग दी अब उसको भी देखेंगे एक बार और जो तो थर्ड पॉइंट था इनका वो था कि आर्टिकल फोर्टीन का वोलेशन है क्योंकि आर्टिकल फोर्टीन बात करता है इक्वालिटी की ये तो इक्वालिटी की बात नहीं कर, कर रहा है ये किसकी बात कर रहा है ये ये बात कर रहा है कि जो इलेक्शन जीत के आ चुके हैं उनको एक स्पेशल प्रिविलेज दे रहा है जो इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं उ, उनकी बजाय ठीक है इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन जीतने वालों को इन्होंने दोनों को सेपरेट कर दिया लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है दोनों के लिए सेम चीज है मैंने आपको दिखाया था जो बींग फॉर चूजन एज और फॉर बींग एम पी एम एल ए मैंने आपको वर्ड दिखाया है दोनों ठीक है ना वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे सारा खेल उसी का इस पर्टिकुलर पूरे पर्टिकुलर केस के अंदर अब देखो जो मेन पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया सुप्रीम कोर्ट ने बोला यदि हम इसको यही डिसाइड कर दें कि क्या पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट है या नहीं है यदि पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट मिली यदि पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट ही नहीं मिली तो हमें ना तो इसकी इस केस को uh, जो सेकंड जो उसका क्वेश्चन है उसको डील करने की जरूरत है ही नहीं कि वायलेशन है ही नहीं है ठीक है यदि कॉम्पिटेंट ही नहीं है तो लो ही नहीं है लो ही नहीं है तो ये वोलेसेशन में क्या ही होगा ठीक है तो हम जस्ट पहले हम इसको ये डिसाइड करते हैं क्या ये अल्ट्रा वायरस है या नहीं है तो सब सुप्रीम कोर्ट तो केंद्र जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने ये बोला अपना पक्ष रखा उन्होंने बोला कि जो आर्टिकल 248 और 246 रेड विद एंट्री 97 सेवन क्लोज वन उसमें बोला कि जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है वहाँ पर पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है लॉ बनाने की तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई साहब आप ये तो केवल तभी वैलिड है जब कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन नहीं है क्योंकि जो ये प्रोविजन है मैंने आपको भी आ, आर्टिकल दिखाया था आर्टिकल एक सौ दो और आर्टिकल एक सौ इक्यानवे वन नाइन्टी वन ये दोनों तो मैंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंशन है तो पार्लियामेंट को जो रूल बनाएगी जो लॉ बनाएगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के क्या हो उसके अंडर में हो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में हो उसके सिंक्रोनाइजेशन में हो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर लिखी हुई है वहीं से अपनी पावर ड्राइव करेंगे तब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रीजनिंग देते हुए कहा कि यस पार्लियामेंट जो है कहीं पे भी रूल बना सकती है लेकिन जितने भी रूल बनाए वो सारे इन कॉन्सोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 102 और एक सौ निन्यानवे एक सौ इक्यानवे के अगेंस्ट है क्यों क्योंकि वहाँ पे दोनों चीज़ लिखी हुई है जो इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं कंटेस्टिंग इलेक्शन और फॉर द विनर्स दोनों के लिए हैं इसलिए हम इस पर्टिकुलर लॉ को अल्ट्रा वायरेस डिक्लेयर करते हैं तो अल्ट्रा वायरेस्ट डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और उसके बाद ये क्लोज डिलीट कर दी गई है ठीक है तो ये पर्टिकुलर केस था तब इसमें दो तीन आपको चीज़ याद रखनी है कि पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंसी क्यों नहीं थी क्योंकि पार्लियामेंट कानून की इंडिया के अंदर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी नहीं है सुप्रीमेसी किसकी है कॉन्स्टिट्यूशन की अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ लिखी हुई है आर्टिकल 102 102 क्या बताता है डिसक्वालिफिकेशन जब एक सौ दो के अंदर डिसक्वालीफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो किसके लिए है वो दोनों के लिए है जो इलेक्शन के लिए लड़ने जा रहा है उसके लिए भी और जो इलेक्शन लड़ के एम पी एम एल ए बन गया है उसके लिए भी लेकिन पार्लियामेंट ने क्या किया पार्लियामेंट ने खाली इन इनके लिए रूल बना दिया इनको दरकिनार कर दिया तो ऐसे ये तो इस वजह से ये पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट नहीं थी खाली इनके लिए रूल इन इनके लिए कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट हैज़ टू कैटर बोथ ऑफ दीज तो अब इसका सोल्यूशन और क्या हो सकता था इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि पार्लियामेंट तीन सौ अड़सठ का यूज़ करते हुए आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट का यूज़ करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे आर्टिकल एक सौ दो के अंदर जाए एक सौ दो के अंदर जो चूज इन एज वर्ड है उसको डिलीट करे तब आर्टिकल आठ जो सेक्शन आठ हमारा इसको तब इसके अंदर वो अपना रूल लेके आ सकती हैं बाकी इसके लिए उनको फिर से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंट करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट ठीक है तो ये हमारा हमारा केस था सो सी इन द नेक्स्ट केस या नेक्स्ट क्लास थैंक यू